गाइस वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं लोग गाइस, आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के बारे में। बट उससे पहले चलिए दो लेजेंड्स को याद करते हैं जो आज हमारे बीच में नहीं हैं। कल 4 मार्च की तारीख क्रिकेट के लिए काफ़ी खास थी क्योंकि 100वां टेस्ट मैच था विराट कोहली का। 12वें भारतीय बने वो इसको अचीव करने वाले। एंड आल्सो आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप न्यूजीलैंड में शुरू होने वाला था एंड उसके साथ पाकिस्तान का टूर, लाइक ऑस्ट्रेलिया एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान के दौरे के लिए पहला टेस्ट मैच खेलने जा रही, तो काफ़ी खुशी वाला दिन था क्रिकेट के लिए। बट पहली बुरी खबर आई दिन की शुरुआत में। रॉड मार्श जो एक ऑस्ट्रेलियन लेजेंड हैं, एक कमाल के विकेट कीपर अपने टाइम के, उनकी डेथ हो गई। शेन वॉन जिन्होंने इसके लिए ट्वीट किया, बट जैसे दिन ढलता गया एक और बुरी खबर आई। शेन वॉन जो थाईलैंड में थे उस वक्त, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। एक ऐसा स्पिनर जिसको याद किया जाएगा जब भी कोई लेग स्पिनर कोई मैजिक दिखाएगा बॉल के साथ, तब शेन वॉन की वो गेंदें याद आएंगी, उनका वो माइंडसेट याद आएगा, वो बॉल ऑफ द सेंचुरी याद आएगी जो घूम के विकटों पे लगी थी। याद आएंगे वो पल जब भी लेग स्पिन का इतिहास उठाया जाएगा, तो इस बंदे का नाम काफ़ी सम्मान के साथ लिया जाएगा, दूसरे सबसे ज़्यादा टेस्ट में विकेट लेने वाले बॉलर। एंड इसमें कोई शक नहीं कि क्या ग्रेटनेस उन्होंने अचीव की अपने करियर में। इसके बारे में हम एक लंबी कन्वर्सेशन कर सकते हैं, बट आज सिर्फ अलविदा कहेंगे उन्हें। याद आएगी उनकी जब भी हम क्रिकेट को दोबारा देखेंगे। कुछ ऐसे प्लेयर आते हैं जो क्रिकेट का पार्ट बन जाते हैं, जब वो क्रिकेट खेलना छोड़ते हैं तो काफ़ी बुरा लगता है, बट जब वो दुनिया छोड़ जाते हैं तो वो और बुरा लगता है, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस वो शेयर करके चले जाते हैं एंड और एक्सपीरियंस हमें उनसे लेने का मौका नहीं मिलता। ऐसा ही शेन वॉन के केस में हुआ। सिर्फ 52 साल के थे एंड एक शॉकिंग डेथ हुई जिसने क्रिकेट जगत को एक मायूसी में छोड़ दिया। अंत में हम यही कह सकते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनकी फैमिली को स्ट्रेंथ मिले इस हार्ड टाइम में। जैसे भी थे वो कमाल के थे। एंड अब चलते हैं आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की तरफ। कल फर्स्ट मैच हुआ वेस्ट इंडीज़ वर्सेस न्यूजीलैंड का, एक कमाल का मैच हुआ। अंत तक आप सोचोगे कि लास्ट ओवर में 5 रन चाहिए थे, 3 रन से वेस्ट इंडीज़ जीत गई। उनकी कमाल के बॉलिंग, कमाल की कैप्टनसी लास्ट ओवर में, हीरो थी वेस्ट इंडीज़ टीम की, आप सबको पता है हैली मैथ्यूज, इन्होंने 119 रन बनाए और विकटें भी लीं। ऑलराउंड परफॉर्मेंस। दूसरी तरफ जब न्यूजीलैंड बैटिंग करने आई तो सॉफी डिवाइन, इन्होंने कैप्टन वाली इनिंग खेली बट अंत नहीं कर पाई, जिसका मलार रहेगा जब सारे मैच खेले जा चुके होंगे एंड पॉइंट्स टेबल पे नज़र पड़ेगी, सही में इस चीज़ का मलार रहेगा। बट कुछ भी हुआ, कल क्रिकेट की जीत हुई। वुमेन्स क्रिकेट इसको शायद उतना रुचि से लोग नहीं देखते जितना मेंस क्रिकेट को देखा जाता है, ये एक ट्रुथ है। आज भी 2 मैच हुए, बांग्लादेश वर्सेस साउथ अफ्रीका, जिसको साउथ अफ्रीका ने जीत लिया। इवन वो 200 पे ऑल आउट हो गए थे तब भी जीत लिया, बट बांग्लादेश ने अच्छी फाइट दी, एक अच्छा मैच था। तीसरा मैच ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, जो फैंटास्टिकली मैं बोलूँगा कमाल का मैच था। सही में दो शतकधारी प्लेयर हमें देखने को मिले इस मैच में। एंड ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड एक मिनी एसेज क्लैश, इसको देख के काफ़ी खुशी हुई। आज हम ये बात नहीं करेंगे कि हमारी इंडियन टीम कहाँ पे खड़ी है इस वर्ल्ड कप में, हम बात करेंगे इस वर्ल्ड कप के बारे में। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप कितने एडिशन हुए हैं इसके, उसमें से 6 जीते हैं, 11 एडिशन हुए हैं इसमें से 6 ऑस्ट्रेलिया जीते हैं, 4 इंग्लैंड ने, एकमात्र न्यूजीलैंड ने जीता है। एंड अगर T20 वर्ल्ड कप्स भी हुए हैं उसमें भी अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया ही अहेड पे है,
सबसे ऊपर बैठी है, चार वर्ल्ड कप जीत के, चार नहीं पांच वर्ल्ड कप जीत के। लाइक उन्होंने पहले तो हैट्रिक लगाया 2010, 12, 14, 18, 2020 इंडिया के खिलाफ फाइनल्स में, सबको याद होगा। वेस्ट इंडीज़ एक लौती टीम है जिन्होंने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के T20 वर्ल्ड कप जीता है। और मैं निकाल लूँ वेस्ट इंडीज़ और न्यूजीलैंड को, यही दो चैम्पियंस मुझे दिखती हैं, दो टीमें दिखती हैं जो ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड को छोड़ के कोई और खिताब जीती हैं, कोई और कंट्री खिताब जीती है। लाइक आप सोच के देखिए, 11 एडिशन से 10 एडिशन इन्होंने जीत लिए। तो एक बात दिमाग में आती है हमेशा कि ऐसा क्यों होता है। इंडियन टीम 2017 में फाइनल में गई, लगभग जीत हमारे कदमों में थी। अगर वर्ल्ड कप 2017 की बात करते हैं तो सबसे बेहतरीन इनिंग की बात करूंगा जो हरमनप्रीत कौर ने सेमीफाइनल में खेली। एक कमाल का मैच जो बारिश के बाद शुरू हुआ एंड ऑस्ट्रेलिया को हमने हराया। बट फाइनल्स में हम थोड़ा सा पीछे रह गए लोअर मिडल ऑर्डर, जिन्होंने वैसे तो अच्छी परफॉर्मेंस दी पूरे टूर्नामेंट में, बट फाइनल का प्रेशर था, ओवर काफ़ी पड़े थे, बट इन दी एंड हम हार गए। भारत में लाइक क्रिकेट बहुत फेमस है, वुमेंस क्रिकेट के बारे में भी खूब बात होती है। अगर मैं बात करूं ICC के पोस्ट में जाकर, जब आप नीचे खोजोगे तो लाइक इंडियन टीम के बारे में ही लोग बात कर रहे होते हैं जो हमारे इंडियंस होते हैं। तो क्रिकेट फेमस है इंडिया में, वुमेंस क्रिकेट भी लोग देखते हैं, हाईलाइट तो पक्का ही देखते हैं। बट क्रिकेट क्यों ऊपर नहीं जा रही? अगर मैंने बात की ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड मोस्ट सक्सेसफुल साइड हैं वुमेंस क्रिकेट में, क्यों? उनका जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है वुमेंस के लिए वो काफ़ी अच्छा है अगर हम कंपेयर करें और कंट्रीज से, एशियन कंट्रीज से। इंडिया में स्ट्रक्चर में सुधार ज़रूर आया है बट उस लेवल का अभी भी नहीं है। वुमेन T20 चैलेंज स्टार्ट हुआ है बट दिमाग में एक चीज़ आती है कि IPL इतना लाइक सक्सेसफुल रहा, मेंस IPL, लाइक इतने ज़्यादा प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिली। आज इंडिया में लाइक प्लेयर्स ही प्लेयर हैं, अगर आप देखोगे हर एक साल इतने ज़्यादा प्लेयर्स आते हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। वुमेंस क्रिकेट में भी हमें सेम चाहिए, क्योंकि अगर हम प्लेयर्स की बात करें, कोई यंग प्लेयर्स आए हैं ऐसे शेफाली वर्मा, बट हमें और प्लेयर्स और ऑप्शन चाहिए फास्ट बॉलिंग में, और वुमेंस IPL उसके लिए एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अगर 2010 वगैरह में वुमेंस IPL स्टार्ट होता तो आज शायद इंडिया की वुमेंस क्रिकेट टीम लीड कर रही होती वर्ल्ड को, बट उस वक्त वो स्टार्ट नहीं हुआ। अभी भी कोई लगता नहीं कि जल्दी स्टार्ट होगा या नहीं। वुमेंस T20 चैलेंज एक हिसाब से एक एक्सपेरिमेंट था कि देखा जाए कि कितनी वुमेंस क्रिकेट लाइक पॉपुलर है। इंडिया में IPL होता है, वुमेंस IPL क्यों नहीं हो रहा? व्यूवरशिप के कारण, क्योंकि व्यूवरशिप कम रहेगी ये सबको पता है। बट अगर हम व्यूवरशिप के बारे में सोचेंगे तो शायद वुमेंस क्रिकेट कभी भी आगे नहीं बढ़ेगी, ये हमें सोचना होगा। अगर मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया के बारे में, वुमन BBL शायद कोई नहीं देखता, शायद उनको ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता, बट वो कराते हैं और उसने क्रिकेट का जो लाइक पद्धर है वो ऑस्ट्रेलिया में लाइक कितना ऊपर कर दिया, उठा दिया है। लाइक ऑस्ट्रेलिया कितनी आगे है अगर मैं बात करूँ वुमेंस क्रिकेट के मामले में। इवन मैं बात करूँ 2020 के वर्ल्ड कप के बारे में, कितना अच्छा ऑर्गेनाइज किया गया था वो, कैटी पेरी को एज ए परफॉर्मर लाया गया, एंड वर्ल्ड कप के लाइक जो लास्ट मैच था मेलबर्न में, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, उसमें लाइक 80,000 से ज़्यादा लोग आए थे। प्रमोट अच्छा किया, अगर आप प्रमोट करोगे तो ज़रूर लोग उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। वुमेंस डे वाले दिन फाइनल कराया गया एंड लोगों ने देखा, एंजॉय किया। इंडिया ज़रूर हारी, मैंने तो बिल्कुल एंजॉय नहीं किया, बट क्रिकेट की एक जीत थी जिस हिसाब से लोग देखने आए। इतना बड़ा नंबर कभी भी ऑडियंस का आया नहीं वुमेंस क्रिकेट को देखने के लिए, तो एक बड़ी अचीवमेंट थी वुमेन क्रिकेट के लिए। वुमन BBL की बात करूँ तो जब लाइक 8 टीमें खेलती हैं तो कितने प्लेयर्स को मौका मिलता है एंड कितने नए प्लेयर्स आते हैं, जिसकी वजह से वुमन क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में इतना ऊपर है। अगर मैं बात करूँ इंग्लैंड क्रिकेट की, उन्होंने 100 बॉलों वाला एक टूर्नामेंट अनाउंस किया था एंड मेंस एंड वुमेंस दोनों को किया था।
एंड दोनों लाइक लोग खुल के देखने के टूर्नामेंट को, इवन मेंस के टूर्नामेंट को एंड इवन वुमेंस के, स्टैंड भरे हुए थे आफ्टर कोविड। पहली बार लाइक लोगों को मौका मिला एंड जो काफ़ी सक्सेसफुल मूव था फॉर श्योर। इससे पहले भी इंग्लैंड में क्रिकेट का पद्धर वुमेंस के लिए काफ़ी ऊपर है, शायद इसी कारण के लिए ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड टूर्नामेंट्स जीतते हैं। बट कई लोग यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करते हैं, जो मैंने एक वीडियो देखी प्रेडिक्शंस वाली, लाइक एस्ट्रोलॉजी वे में, साइंटिफिक वे में उन्होंने बताया कि मैं प्रेडिक्शंस कर रहा हूँ, मेरे प्रेडिक्शंस सही गए थे एंड इस बार भी सही जाएंगे। तो उसने ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया एंड फॉर श्योर ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम अच्छी है तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं। बट मैं चाहूँगा कि इंडिया टीम लाइक उसकी प्रेडिक्शन गलत करे एंड लोग दो चीज़ों से बाहर निकलें, एक तो उस जीत से इंडिया की जो क्रिकेट है वो हमेशा के लिए चेंज हो जाएगी वुमेंस के लिए फॉर श्योर, ऐसा हमने लाइक 2017 में भी उम्मीद लगाई थी बट हुआ नहीं, बट कोई बात नहीं अब हो सकता है। या कोई और, कोई एशियन टीम, कोई न्यूजीलैंड जीत जाए या फिर साउथ अफ्रीका जीत जाए, ऐसी टीमें जीतें तो मज़ा आएगा लाइक क्रिकेट, लाइक और एक्साइटिंग बनेगा वुमेंस क्रिकेट, जो एक हिसाब से एक मिनी एसेज बन के रह गया है, तो उसके अंदर और इनोवेशन आएगी। मैं चाहूँगा वेस्ट इंडीज जीते, तो ज़रूर एक दिन वैसे दिन आएंगे एंड इंडिया में वुमेंस आईपीएल मस्ट होगा अगर ये वर्ल्ड कप जीता जाता है। वुमेंस वर्ल्ड कप की इतनी बात नहीं हो रही, अगर मैं 4 मार्च की बात करूँ तो मैं ट्रेंडिंग पेज पे गया स्पोर्ट्स के, तो वहाँ पे ट्रेंडिंग में चल रहा था लाइक रहाने, लाइक सबसे ऊपर चल रहा था लाइक 100 टेस्ट मैच, जो क्योंकि विराट कोहली का 100 टेस्ट मैच था, सबकी उम्मीदें थी 100वें शतक की, लाइक नॉट 100वें शतक की, सबकी उम्मीदें थी एक शतक की विराट कोहली की तरफ से, नहीं आया, आज जडेजा ने लगा दिया तो अच्छा है सब। उसके नीचे ज़्यादा रहाने का ट्रेंडिंग क्योंकि वो कप्तान थे जब पिछली बार इंडिया में सीरीज़ हुई थी, अभी टीम का हिस्सा नहीं है। ISL के नीचे चल रहा था CWC22, लोग बात ज़रूर कर रहे थे बट कम हो रही थी, बात होनी चाहिए। वुमेंस की क्रिकेट है इसलिए वो कम पॉपुलर नहीं है, एक और वजह है इसके लिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड ही हमेशा टाइटल जीतते हैं। एक नई टाइटल विनर सबको, सब देखना चाहते हैं एवरी क्रिकेट फैन कि क्रिकेट और एक्साइटिंग होए, लाइक वुमेंस क्रिकेट और एक्साइटिंग होए। ट्विटर पे आपको कमाल के ट्वीट्स दिख जाएंगे, जैसे माइकल वॉगन का ट्वीट आप देख ही सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, लाइक आपको लाइक इनको अच्छे जवाब मिल ही जाएंगे, इसका मैं 100% श्योर जवाब देता हूँ। बट मेरा लाइक वही जवाब होगा कि ये वर्ल्ड कप काफ़ी इम्पॉर्टेंट है हर एक टीम के लिए, बट मोस्टली अगर हम मैं बात कहूँ, अगर ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड के अलावा सब टीम के लिए ये वर्ल्ड कप इम्पॉर्टेंट है। एक नया विनर सबको चाहिए, 2016 में हमें मिला था एक अलग चैम्पियन, इस बार फिर चाहिए। वेस्ट इंडीज़ ने पहला मैच जीता है एंड उनकी टीम अच्छी लग रही है, होपफुली वो जीतें, या मेरे सबसे बड़े होप तो हैं इंडिया टीम के साथ क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। 6 मार्च को जीतने की उम्मीदें होंगी, 6 मार्च को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आप ज़रूर देखना एंड क्योंकि वुमेंस क्रिकेट तभी आगे पहुंचेगी जब व्यूअरशिप ज़्यादा आएगी, तभी वो लाइक वुमेन आईपीएल के बारे में सोचेंगे और तभी वुमेन स्पोर्ट्स इंडिया में आगे जाएगा। तो यही था इस वीडियो में गाइस, बी होपफुल।